थंबनेल आपने देख लिया होगा, दूध में जो है ना बेहतरीन इजाफा होने वाला है भाई। डेयरी फार्म बनाने का फायदा यही उसी वक्त होता है कि मिल्क लिया जाए। आज मैं इसके लिए आपको एक बेहतरीन नुस्खा देने वाला हूँ। जो भैंस है इसको हमने ये नुस्खा दिया है और माशाल्लाह ये बहुत तंदुरुस्त है और खा भी रही है और इसके अंदर दूध की भाई इजाफा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान। दोस्तों आप लोग जो है भैंस की वीडियोस देखते रहते हैं, काओ बुफेलोज आप लोगों के लिए डिजीजेस के ट्रीटमेंट सॉल्यूशन सब लेके आता हूँ भाई, और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब, कमेंट्स वगैरह जो है हमारे व्यूअर्स को देते रहते हैं, उसके सॉल्यूशन भी ऑनलाइन देते हैं आप लोगों को। तो भाई अगर आप लोगों को जो है कमेंट्स करेंगे तो डॉक्टर साहब तक मैं पहुँच सकता हूँ, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इस वीडियो में बताने वाले हैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा, दूध में जो है ना बेहतरीन इजाफा होने वाला है भाई। वो फार्मर्स जो दूध की प्रोडक्शन से जो है ना परेशान है, झाग नहीं बन रहा दूध के अंदर, खुशबू आ रही है दूध के अंदर, सारी चीजों से रिलेटेड ना डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए बेहतरीन नुस्खा लेके आए, क्या बताने वाले हैं आज चलते अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग आपको देखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे, कोई कंप्लेन वगैरह है जो हमारे आपके व्यूअर्स हमारे कॉल करते हैं, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती आप लोगों को जवाब देने में? आपको नहीं परेशानी तो खैर नहीं होती, लेकिन ये है कि फार्मर का डेयरी फार्म बनाने का फ़ायदा यही उसी वक्त होता है कि मिल्क लिया जाए, दूध वगैरह हासिल किया जाए। ऐसा ही बहुत सी कंप्लेनें आती हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं यार दूध हमने 10 किलो की ली थी और यहाँ पे आ रही है 8 किलो दे रही है, 5 किलो दे रही है, हमारा पैसा लगा हुआ ज़ाया हो गया। तो आज मैं इसके लिए आपको एक बेहतरीन नुस्खा देने वाला हूँ जो कि इसके अंदर बहुत कामयाब रहेगा और फ़ायदा भी देगा। फार्मरों को हम देते रहते हैं अक्सर, पुराने काफ़ी वीडियोस डॉक्टर साहब की बनी हुई है भाई, आप पेज पे जाके दे सकते हैं, उससे फ़ायदा भी हुआ है बहुत से लोगों को, बहुत से भाई ने कमेंट्स भी किया है। तो भाई फ़ायदा हुआ करें, कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, उससे हमें आपके रिव्यू का पता चलता है कि आपको फीडबैक कैसा आया हमारे व्यूअर्स को। तो आज क्या डॉक्टर साहब दिखाएंगे, और आपकी ये आपने देख रहा हूँ कि बाड़े के अंदर लेके आए हमें, और माशाल्लाह से भाई आपको लाइव दिखाने की तकरीबन लेके आए कि ट्रीटमेंट्स वगैरह करते रहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या दिखाएंगे हमारे को आज व्यूअर्स को? मैं आपके लिए दूध की बढ़ाने का एक नुस्खा लेकर आया हूँ, देसी नुस्खा, जो हर आदमी अपने घर के करीब के बाज़ार से, पंसारी से या करियाने की दुकान से लेकर वो आसानी से इस्तेमाल करवा सकता है और अपने फार्म को काम मतलब है कंट्रोल कर सकता है, भैंस को घरेलू तौर पे। अच्छा, इक्का दुक्का भैंस से भी ले सकता है वो ना नुस्खा? हाँ, इजीली बिल्कुल। और ये कॉस्टली पड़ेगा हमारे पास? नहीं, बहुत सस्ता नुस्खा है, उनके पहुँच के मुताबिक है, इसके लिए कोई टीके वीके की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और देखिए ये जो भैंस है इसको हमने ये नुस्खा दिया है और माशाल्लाह ये बहुत तंदुरुस्त है और खा भी रही है और इसके अंदर दूध की भाई इजाफा हुआ है। जब खाएगी और तंदुरुस्त रहेगी तो दूध जो है ना वो नुस्खे के मुताबिक काम भी करेगा। तो इसके अंदर ऐसा है कि मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खे में पहले नंबर पर आप गुड़ ले लें आधा किलो, दूसरे नंबर पर आप 100 ग्राम लीमू ले लें, लीमू का तकरीबन 7 नींबू कहते हैं या टाटरी ले लें, और तीसरे नंबर पर सरसों का तेल 200 ग्राम। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके रखें एक टाइम पर, जब भी दूध कम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जानवर अस्वस्थ होता है, ये मतलब है कि इस गर्मी और सर्दी को बहुत मनाता है। अच्छा। हत्ता के ये जगह को भी मना देता है, हत्ता के ये आदमी के चेंजेस होने की वजह से भी दूध कम कर देते हैं, क्योंकि हमारे फार्मर आजाद जो है भैंस खरीदते हैं और खरीदने के बाद अपने घर पर लेके जाते हैं, फार्म पर लेके जाते हैं, तो दूध कम देती है, कम देती तो है। इसकी वजह भी मेरे ख्याल में सफ़र की वजह है, सफ़र की भी वजह होती है, जगह चेंजेस होने से उदास हो जाता है जानवर, हसास है, और उसमें ये दूध सबसे पहले दूध कम करेगा। ठीक है, ठीक है, दूध कम करने के बाद फिर मालिक को पता लगेगा यार मैं पहले 10 किलो वाली लेकर आया था और यहाँ पर ये 8 किलो दे रही है, 4-5 किलो तक दे रही है, 6 किलो तक दे रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब है कि ऐसे नुस्खे देने से कंट्रोल होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी भाई वीडियो, एक प्रॉपर वीडियो डॉक्टर साहब ने निकलवाई भी है अपनी, अगर आप लोग परचेजिंग कर रहे हैं अपनी न्यू जानवर की, न्यू काओ या बुफेलोज या भैंस की, तो आप किस तरीके से अपने जानवर को सेट कर सकते हैं, ये भी एक डॉक्टर साहब की वीडियो, जैसा कि आप पॉपअप ऊपर देख रहे हैं, क्लिक करें वीडियो पूरी रिव्यू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्दियों में गर्मियों में कैसे देना है नुस्खा, और ये फीड वगैरह कैसी देनी चाहिए जानवरों को? ओवर फीड भी हो जाती है ज़्यादातर, जिसकी वजह से दूध की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ये हमारे व्यूअर्स को बता दिएगा। देखिए सर्दियों के अंदर तो निज़ाम हाजमा अच्छा रहता है और वो थोड़ा सा ज़्यादा भी खा ले तो हज़म कर जाता है, गर्मियों के अंदर मसला पड़ता है कि गर्मी के होने की वजह से वो ज़्यादा अगर खा लेगी तो वो दूसरे टाइम पे खाना छोड़ देती है, कम कर देती है, बाज़ों का कब्ज़ हो जाती है, अंतड़ियाँ जो है वो जाम हो जाती है, उनके अंदर गोबर सख्त हो जाता है, तो उसके अंदर वो खाना पीना भी छोड़ देगी। ठीक है, जब खाना पीना छोड़ दिया, पानी भी नहीं पिया, तो ज़ाहिर लामाला दूध भी कम होता चला जाता है।
तो दूध कम हुआ तो मालिक बड़ा परेशान हो जाता है, वो अपनी दवाई नहीं करेगा, अपने बुखार की दवाई नहीं करेगा, जानवर की दौड़ के जानवर की दवाइयाँ लेने के लिए दौड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जैसे पहले भी बताया आपसे, अर्ज़ की आपकी खिदमत में कि गुड़ ले लें आधा किलो, लीमू ले लें तकरीबन 100 ग्राम, और तीसरे नंबर पर सरसों का तेल 200 ग्राम। ठीक है, इनको तीनों को मिक्स करके आप ये एक बार में दे दें या नाल से दे दें, किसी तरीके से ये पेट में 4-5 दिन तक आप ये नुस्खा खिलाएं, इंशाल्लाह इससे एक टाइम देना है 4-5 दिन। हाँ, एक टाइम दिन में एक मर्तबा देंगे, आज दें कल दें परसों दें। अच्छा, बहुत से लोग हमारे पूछते हैं कि किस टाइम पर देना है, चारे के बाद देना है, चारे से पहले देना है, मतलब खाने खिलाने के बाद देना है, खाने से पहले देना है? तो देखो, खाने से पहले देते तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, खाने से 2 घंटे पहले दे देंगे तो उसको दबा के भूख भी लगेगी, हजम भी होगी, दूसरे जानवर को देख के खाता हुआ देख कर और भी ज़्यादा भूख महसूस करेगी और वो फौरन जो है ना खाना शुरू कर देगी। ये नुस्खा देने के बाद मुझे तो भी आएगी, बिल्कुल आएगी, इसमें कोई शक नहीं। मुझे तो भाई काफ़ी मतलब स्मॉलेस्ट कितना तकरीबन आपके हिसाब से, अगर किसी के पास ये नहीं है नुस्खा तो कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी इसके ऊपर, कितना खर्चा आ जाएगा इसको नुस्खा बनाने? इस वक्त तो खैर महंगाई है, कम अज़ कम 200-300 रुपये का नुस्खा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जानवर जो है ये तंदुरुस्त हो जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, आप लोगों लिए काफ़ी वीडियोस बनाते रहते हैं भाई, डॉक्टर साहब ने जो है दूध की प्रोडक्शन के काफ़ी वीडियोस निकाली हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और भी ऐसी वीडियोज़ निकालते रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई हमें कमेंट करके बताएं, आप लोगों के लिए ऑनलाइन सॉल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।